गाइस नमस्ते, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों मैं हूं आपका होस्ट आशीष गोस्वामी और स्वागत है आप सभी लोगों का एक नए वीडियो में। तो दोस्तों आप मेरे पीछे देख सकते हो, ये है स्वामीनारायण गुरुकुल। एक चीज़ यहां पर अभी बनी है दोस्तों कि नीलकंठ धाम जो है पहुँचा, उस टाइप का यहाँ पे एक छोटा सा ऐसा बनाया हुआ है दोस्तों। तो चलिए हम अंदर चल के देखते हैं क्या है यहाँ पर। आप मेरे पीछे देख सकते हो, ये हनुमान जी का मंदिर है यहाँ पर। तो चलिए अंदर चलते हैं और दर्शन करते हैं। ये जो दोस्तों आप सामने देख सकते हो ना, ये जो नीलकंठ धाम पोइचा मंदिर जो है ना, उसके जैसा ही हूबहू यहाँ पे अभी बनाया गया है। तो चलिए हम आगे उसका भी जाके वहाँ पे दर्शन करते हैं और देखते हैं क्या क्या है वहाँ पे। तो आप देख सकते हो जैसे नीलकंठ धाम है, आप देख सकते हो अभी नया ही बना है और अभी काम भी चालू है यहाँ पर। हूबहू उसी स्टाइल में है जैसे कि यहाँ पर ऐसा कुछ पानी का जैसा कुछ बनाया हुआ है और आपको ऐसा लगेगा कि मैं आया हूँ नीलकंठ धाम। और ये दोस्तों आप देखो भगवान की मूर्ति यहाँ पर है। हमारे साथ राहिल भाई है। तो राहिल भाई आप यहाँ पे गुरुकुल में क्या करते हो काम? सेवा करते हो हनुमान जी के मंदिर में। हनुमान जी के मंदिर में सेवा करते हो? यहीं पर ही रहते हो? नहीं, घर पे जाते हो, लेकिन टाइम हो रहा है तो इसे सेवा करने के लिए आता हूं। अच्छा, तो गाइस देखो आप राहिल भाई है, जब टाइम होता है फ्री होता है तो भगवान की सेवा करने के लिए यहाँ पे आते हैं। तो बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं भैया। तो थैंक यू वेरी मच राहिल भाई। ओके भैया, राहिल भाई है जो हमें थोड़ी हेल्प कर रहे हैं ये सब दिखाने में मंदिर में स्वामीनारायण टेम्पल, तो हमारे साथ आ रहे हैं। तो थैंक यू वेरी मच भैया राहिल भाई। तो राहिल भाई हमें कुछ दिखाएंगे क्या क्या यहाँ पे देखने लायक है। तो हम अभी कहाँ जा रहे हैं? धर्मानंदन। बराबर, सामने बच्चे पढ़ रहे हैं, आप देख सकते हो बहुत सारे बच्चे जो यहाँ पर रहते हैं पढ़ रहे हैं, आप देख सकते हो गाइस।
चलो दोस्तों अभी अंदर चलते हैं और देखते हैं। बहुत ही अच्छा है ये, आप देख सकते हो गाइस, यहाँ पे अभी सफाई काम चालू है मंदिर में। तो फ्रेंड्स अगर आप सूरत के अंदर हो दोस्तों तो एक बार यहाँ पे विजिट करना ना भूले, बहुत ही अच्छी। और ये आप देख सकते हो ये डिज़ाइन, ये कलाकृति बहुत ही अच्छी और बहुत यूनिक है दोस्तों। और यहाँ पर अगर आप आते हो फैमिली के साथ तो अच्छा सा आपका टाइम स्पेंड हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर बहुत सारी बच्चों के लिए भी एक्टिविटी है और बहुत सारी ऐसी यहाँ पर घूमने लायक जगह है। यहाँ पर आप देख सकते हो प्रदर्शनी और साइंस सिटी, नेचर पार्क, यहाँ पे सभी आपको टिकट काउंटर मिल जाएंगे। टाइमिंग भी यहाँ पे लिखा हुआ है दोस्तों 2 बजे से लेके 7 बजे तक है। 10 साल तक बच्चे होते हो तो उसकी प्राइस है 35 रुपये, और जो बड़े होते हैं 10 साल से बड़े तो उसकी प्राइस है 60 रुपये। तो यहाँ पर भी प्रदर्शन ही है, तो आपको यहाँ पर आपकी जो टिकट होती है ना उसके अंदर ये इंक्लूड है गाइस, तो आपको टिकट यहाँ पर दिखानी पड़ेगी। तो एंट्री गेट है उस तरफ, तो यहाँ से एग्जिट गेट है और यहाँ से नो एंट्री का बोर्ड है। यहाँ पे अंकल बैठे हैं, अब देख सकते हो यहाँ से मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर आपको इसके अंदर जाना है तो आपको टिकट लेनी पड़ेगी गाइस। आपको खाना हो पीना हो तो यहाँ पर बहुत सारी ऐसी स्टॉल है जो आपको मिल जाएगी। यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हो गुरुकुल है, इसके अंदर छोटे बच्चे जो है वो पढ़ाई कर रहे हैं, आपको दिखाई दे रहा होगा गाइस। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देख सकते हो आप छोटे बच्चों के लिए भी यहाँ पर बहुत सारी एक्टिविटीज़ है, तो बच्चों के लिए भी बहुत ही अच्छा है गाइस, आप यहाँ पर देख सकते हो। तो फ्रेंड्स यहीं तक था आज का वीडियो। वीडियो पसंद आ जाओ तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट करिए। तो मिलते हैं दोस्तों एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।